देखिए बहुत ध्यान से, हमारा टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं आरडीटी। ये पूरी बायोलॉजी से बिल्कुल एक अलग ब्रांच है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जहां हमारा एम है रिकॉम्बिनेंट तैयार करना। दैट टर्म इज फ्रॉम द टर्म कॉम्बिनेशन। जब हम दो ऑर्गेनिज्म यहां पर दो डीएनए हैं और अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें, अब जो डीएनए हमारे पास तैयार होगा वो आपका कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये इसका बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल है कि पहले हम ये समझ लें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। दो अलग अलग सोर्स से डीएनए निकालकर जब हम उन्हें जोड़ते हैं, दैट इज द कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आपने नाम सुना होगा बीटी कॉटन। बीटी कॉटन भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से तैयार की गई, जहां बीटी एक जीन है जो निकाला गया है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है बैसिलस थ्रूजेनेंसिस। डाला किसमें गया? कॉटन के अंदर। तो कॉटन और बैक्टीरिया के जीन हमने आपस में मिक्स किए हैं, दैट इज द कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। चाहे मैं बीटी ब्रिंजल बनाया हूं, वहां भी हमने यही किया। एक मैंने आपको शुरुआत में एग्जाम्पल दिया था, मैंने आपसे कहा था कि फायरफ्लाई जुगनू का जीन निकाला गया और कहां डाला गया? टोबैको के प्लांट के अंदर, और टोबैको का प्लांट अंधेरे में ठीक वैसे ही चमकने लगा जैसे अंधेरे में जुगनू चमकता है। दीज वर सम इनिशियल एक्सपेरिमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये पहले एक्सपेरिमेंट। फिर एक कंपनी ने फ्लेवर सेवर टोमेटो बनाया। टोमेटो के साथ खास चीज ये है कि टमाटर को जब हम तोड़ते हैं तो पता चला 3-4 दिन बाद पकने लगता, सड़ जाता है, ज्यादा दिन तक वो हम उसको रख नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि अगर हम उसके अंदर जो एंजाइम है जो कि इसको पका रहा है, सड़ा नहीं रहा, पका रहा है, उस एंजाइम को अगर हम थोड़ा स्लो कर दें कि तुम धीरे धीरे काम करो, तो वो हमने टोमेटो बनाया, उसे कहता फ्लेवर सेवर टोमेटो, और वो जो टमाटर था वो कैसे धीरे धीरे पकने लगा। इसी में एक हमने इंसुलिन बनाई। इंसुलिन में क्या है, मैंने आपको ये भी बताया था उस दिन कि अगर हम नेचुरल सोर्स से इंसुलिन निकालते हैं, जो कि इथिकली भी गलत था और मेडिकली भी गलत था कि उससे हमें एलर्जी शुरू हो रही थी, और इथिकली गलत था कि पिग और काउ के स्लॉटर हाउस में जो उसकी पेंक्रियाज से हम उसको निकाल रहे थे तो एलर्जी भी शुरू हो रही थी। तो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू एली लिली कंपनी ने पहली बार रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बनाई जो क्या कहलाती है, इंसुलिन। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक बेसिक एस्पेक्ट है जहां रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करने जा रहे हैं। अभी इससे पहले भी कुछ चीजें हमें समझनी जरूरी है। समझनी हमें ये जरूरी है कि जहां से हमें डीएनए चाहिए, भाई जाहिर सी बात है कि आपको कौन सा डीएनए चाहिए, वो एक सेल होगी। सेल के अंदर अगर वो बैक्टीरिया नहीं है, यूकैरियोट है, तो न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अंदर उसका बाई प्रोडक्ट बना देते हैं, उसका डीएनए होगा। तो बिल्कुल पहली चीज तो ये है कि भाई इस डीएनए को पहले सेल से बाहर तो निकालो। जैसे आपने कहा कि मुझे जुगनू का जीन चाहिए, वो जो चमक रहा है, डीएनए एक अलग चीज है। डीएनए में छोटी सी यूनिट कहीं पर जीन है। जैसे आप सब पूरे डीएनए हो तो आप में से कोई एक जीन है, बोले इनका काम यह है, इनका काम यह है, इनका काम यह है। तो उसमें से एक जीन था लक्स जीन, LUX, उसका मतलब होता चमक, वो उसकी वजह से जुगनू चमकता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करें अगर इस जीन को निकाल लें तो ठीक है। इसी तरीके से बैसिलस थ्रूजेनेंसिस जो बैक्टीरिया है उसके अंदर से, अभी बिल्कुल आज बायोलॉजी का वो चल रहा है टॉप, अब यूपीएससी लेवल चल रहा है, यूपीपीसीएस खत्म हो चुका 6 लेक्चर में है, वहां पे हम जा ही नहीं रहे हैं भाई। तो सबसे पहले तो भाई इस डीएनए को क्या करना है, आइसोलेट करना है, बाहर निकालना है। तो किसी भी डीएनए को किसी भी सेल से बाहर निकालने के लिए हमें उसकी डिग्रेड करनी होती है सेल वॉल। क्या? सेल वॉल। हमें सबसे पहले जैसे बर्थडे पर ट्रॉफी चाहने के लिए हम बैलून को फोड़ते हैं हल्के से, तो पिंच होते हैं या मोमबत्ती दिखाते हैं और वो बैलून फट जाता है और अंदर से
बहुत कुछ निकलता है, लेकिन हमारा टारगेट उसमें से केवल क्या होता है, टॉफी। ठीक ऐसे एक्सपेरिमेंट यहां है। तो उन्होंने कहा कि तो पहले तो हम ये देखें क्या वाकई हमारा काम चल जाएगा कि हम एक पिंच भो के निकाल लें। तो उन्होंने कहा कि अगर एनिमल सेल है तो बाहर केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती। फिर सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में अलग है, मेटेरियल की बनी, फंजाई में अलग है, बैक्टीरिया में अलग है, और अभी बता दिया अब्सेंट है कहां, एनिमल सेल। तो उन्होंने कहा ठीक है, बैलून तो हम सर मान लिया, बैलून है जिसका मतलब एनिमल सेल है, मेम्ब्रेन है, लेकिन वही बैलून बर्थडे का जो है, उन्होंने कहा कि साहब ये तो गत्ते के डिब्बे में रखा हुआ कागज के, एक ने कहा साहब प्लास्टिक के डिब्बे में रखा है, और एक ने कह दिया कि साहब ये लोहे के डिब्बे में रखा हुआ है। तो जैसे जैसे बाहर के सर्फेस सेल वॉल का केमिकल अंतर है, वैसे वैसे हमारा कटिंग करने का मटेरियल जो है वो भी अंतर। बोले चाकू उठा लाओ, बोले क्या काटना है, लोहे का बक्सा, बोले पागल हो गए हो क्या, कुछ और चीज लेके आओ। तो उन्होंने कहा जैसे प्लांट है, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, तो सेलुलोज को डिग्रेड करने के लिए जो एंजाइम का नाम है उसका नाम है सेलुलेज। क्या नाम है? फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, उसके जो एंजाइम है उसका नाम है काइटिनेज। बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टाइडो ग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है, उसके लिए जो होता है वो लाइसोजाइम होता है, लेकिन एनिमल सेल के लिए किसी भी एंजाइम का यूज नहीं करते हैं, उसको तो आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखिए, पानी अंदर जाएगा वो बस्ट कर जाएगी। जैसे ये बस्ट की अंदर का सारा मटेरियल कार्बोहाइड्रेट आरएनए प्रोटीन सब बाहर आ जाएगा, तो हम डीएनए को छोड़कर बाकी सारी चीजों को डिग्रेड कर देंगे। जैसे प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए हम प्रोटीएज डाल देंगे, आरएनए को डिग्रेड करने के लिए आरएनएस डाल देंगे, लिपिडाइज करने के लिए लाइपेज डाल देंगे, उसके अंदर बचेगा केवल कौन, डीएनए। चिल्ड इथेनॉल डालकर हम लूप की सहायता से डीएनए को बाहर निकाल लेंगे। तो डीएनए क्या हो गया, बाहर आ गया, किसका, डोनर का, जो डीएनए हमें चाहिए। जैसे हमारा एम ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारी इंसुलिन कहीं बने जाके किसी ऑर्गेनिज्म में, तो हमें अपने अंदर से चाहिए होगी कौन सा जीन, इंसुलिन का, कि हमारी आंखों में इंसुलिन का जीन होगा। बहुत छोटा सवाल है, क्या हमारी आंखों में इंसुलिन का जीन होता है या नहीं होता, देखिए हमारे पूरी बॉडी में हर सेल में सारे जीन सेम है, चाहे आप 100 कमरे चला खोलो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो होता है वो सेम ही लगता है। इस समय यहां हवा की जरूरत नहीं है तो हमने पंखा बंद कर रखा है, जब जरूरत होगी तो चलेगा। मतलब हमारे जीन ऑन और ऑफ होते हैं, कंट्रोल होते हैं, लेकिन जीन सारे पूरी बॉडी में एक जैसा है, तो हम कहते हैं हमारा जीनोम जो है वो स्टैटिक है। डीएनए सारी सेल्स में एक जैसा है, आरबीसी को छोड़ के, वहां तो न्यूक्लियस ही नहीं होता, लेकिन जो प्रोटियोम है वो डायनेमिक है। हाँ, इंसुलिन आंखों में नहीं मिलेगा क्योंकि हम बन ही नहीं रहा, जीन शांत कर रखा हमने। तो अब हमें क्या चाहिए, इतने बड़े डीएनए में, हमारा डीएनए लगभग कितना बड़ा है, 2 मीटर का डीएनए है, 2 मीटर का है जी। हमारी एक सेल का डीएनए जो हमें दिख नहीं रही है उसके अंदर डीएनए कितना बड़ा है, 2 मीटर। रील देखिए छोटी, जैसे सिलाई करते हैं कितना लंबा धागा होता है उसमें, 180 मीटर। कंफर्म मास सेल बीम के अकॉर्डिंग होता है, किसी में 180, किसी में 120, किसी में 80। अब आप अच्छा सुनो, मेरी जेब में कितनी आ जाएंगी रीलें, 10। अब ये कह रही है 1800 मीटर की चीज मेरी जेब में रखी है, जो कि मेरा कद 2 मीटर का नहीं है। ये ठीक वही चीज डीएनए हमारा 2 मीटर का होता है, क्वाइलिंग और सुपर क्वाइलिंग करके हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये उतनी जगह में फिट हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब ये डीएनए जो था इसको क्या कर लिया भाई, बाहर निकाल लिया। अब पता चला इस पूरे में जो काम का जीन है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे इंसुलिन का जीन होगा, वो केवल इतने में, ये जो ग्रीन वाला है, ये ग्रीन वाला क्या हो गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट बायोटेक्नोलॉजी या हमसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एक सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जब हम इससे पहले जो क्रॉसिंग करा रहे थे कि मादा के ऊपर पॉलीग्रेन लाके हम उसके ऊपर डालते थे, तो जो नहीं जीन चाह रहे वो भी आ रहे हैं। यहां हम बाकायदा इसको क्या करेंगे,
कट करते हैं। और केवल और केवल इसी जीन को हम निकालते हैं। ये पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पहला मोटिव है कि हम जो जीन चाह रहे हैं डोनर से हमें केवल वही जीन मिलता है, अनवांटेड जीन नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी बोले साहब डीएनए को काट लिया आपने, बोले किससे काटते हैं, कैंची ऐची है कोई क्या? तो जो कैंची है वो कैंची ना होकर एक एंजाइम है जिन्हें हम कहते हैं मॉलिकुलर सीजर्स, और उस एंजाइम का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ये डीएनए को कट करता है स्पेसिफिक जगह से। वो यही रिसर्च है कि हम उस जगह को ढूंढे या हम वो जगह ढूंढे जो उस डीएनए के या उस जीन के दोनों तरफ है। लेकिन वो ये जरूरी नहीं कि यहीं से काटेगी, वो एक्चुअल में जाके कई जगह से इस डीएनए के टुकड़े कर देगी ऐसे। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ टुकड़े हो गए। अब जो ट्यूब होती है जिसमें एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है वो इतनी बड़ी होती है, केवल 2 ml की। तो अब सवाल यह है कि 2 ml में, और डीएनए तो हमें वैसे भी नहीं दिखना है, हमारे डीएनए के कितने टुकड़े हो चुके हैं? नौ। वो जो हमें नहीं दिखा है, अब है सेपरेशन। उन नौ टुकड़ों को अलग कैसे करोगे, और उनमें से एक टुकड़ा हमारा ये वाला होगा, उसको कैसे पहचानोगे? उसके लिए जो हमारे पास टेक्निक है फ्रेगमेंट्स को अलग करने की, उसे कहते हैं एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करना। जेल, जिस चीज पे हम डीएनए को रखेंगे वो जेल होगी। कौन सा जेल होगी? एग्रोज जेल। तो वो ये कहते हैं कि हम एग्रोज जेल को लेते हैं, उसको सॉलिडिफाई करते हैं। अब ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं इस पे, क्योंकि तो आपको इतना भी नहीं पढ़ना है, बस बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि जो टर्म यूज कर रहे हैं, जो ये बात कह रहे हैं वो यूज कहां होगी। जेल की शीट बनाई हमने, इसके अंदर हम वेल क्रिएट करते हैं, उसमें इस डीएनए को लोड कर दिया पूरे फ्रेगमेंट्स को, और थोड़ी देर बाद जाके पता चला ये 9 के 9 फ्रेगमेंट अलग हो गए अपने साइज के अकॉर्डिंग। जो सबसे छोटा है वो सबसे दूर जाएगा, क्योंकि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए वो पॉजिटिव की तरफ चलता है, जिधर लोड करते हैं उधर नेगेटिव चार्ज होता है। छोटा डीएनए जाली में से अंदर से जल के मैट्रिक्स से अंदर जल्दी पास हो जाता है, वो ज्यादा दूर पहुंचा। फिर हम जो जीन चाह रहे हैं उस जीन का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लेकर हम जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको बाहर निकाल लेंगे, वही ग्रीन वाला, और हमारा ये जीन जो हम चाह रहे थे वो ये वापस आ गया। अब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी जिसको हम इतने से बार बार कह रहे हैं प्लाज्मिड। अगर मैं हवा में बता दिया प्लाज्मिड क्या होता है तो आप पता नहीं कहां से क्या बता रहे हैं, बीच में आप पकड़ नहीं पाते हमें। अब ये जीन हमें डालना है, मान लो किसी बैक्टीरिया के अंदर, या जैसे हम कह रहे थे कॉटन के अंदर, या किसी के भी अंदर डालना है, तो उसके अंदर सेल के अंदर भेजने के लिए जो चीज हमें चाहिए उसे हम कह रहे हैं वेक्टर, वाहक। बोले बेटा तुम्हें फ्रिज किसने दिलाया घर में? लंकन जी, रिक्शे वाला आया था वो दे गया। बोले बेटा पापा के रुपए खर्च हुए, रिक्शे वाला तो केवल कौन था? वेक्टर था, वो छोड़ के अंदर चला गया। फिर वाहक के अंदर भी अंतर है। मान लीजिए आपने कोई चीज ली, गली आपकी पतली है, ट्रक पे लोड कर दो, तो इसका मतलब वेक्टर भी सेल टू सेल अंतर होता है। मतलब बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे तो कोई दूसरा वेक्टर, प्लांट के अंदर डालेंगे तो कोई दूसरा वेक्टर, एनिमल के अंदर डालेंगे तो कोई दूसरा वेक्टर यूज किया जाता है। और पढ़ेंगे तो सबसे कॉमन जो वेक्टर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में होता है वो क्या होता है कि जैसे ये कोई बैक्टीरिया है, मान लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया के पास अपना एक डीएनए होता है, और इस मेन क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कुछ डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं
जिन्हें हम कहते हैं प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड का काम क्या है ये सुनिए। प्लाज्मिड के पास जीन होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के, किसके? भाई उन्होंने कहा कि ठीक है आपको टीबी हुआ है माइकोबैक्टीरियम से, ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया है, आप एक एंटीबायोटिक खाते वो मर जाता, सीधी सी कहानी थी। भाई आपके बॉडी में क्या आया? बैक्टीरिया। आपने क्या खाया? एंटीबायोटिक। नहीं खत्म हुआ ये। ठीक कहानी वैसे ही है कि आपके घर में मच्छर थे, आपने गुड नाइट लगाई, कंपनी ने वादा किया था कि मच्छर मरेंगे, लेकिन मच्छर ने वादा नहीं किया था कि हम मरेंगे। क्यों? जब से अर्थ बनी है और जब तक ये रहेगी, एक चीज हमेशा चलेगी और वो है होस्ट माइक्रोब इंटरेक्शन। हम ताकतवर होना चाहेंगे, बदले में वो ताकतवर होना चाहेगा, और ये लड़ाई हमेशा चलती रहेगी। ठीक है ना? आप ताले बनाते रहेंगे, आप ताले बनाते रहेंगे, उसके टूटने के सब चीजें बनती रहेंगी। तो ये है होस्ट माइक्रोब इंटरेक्शन कि कैसे एक, तो वो क्या करते हैं कि अपना डीएनए किसके अंदर मैच कराएंगे? इस प्लाज्मिड के अंदर। क्यों कराएंगे प्लाज्मिड के अंदर? बोले ये पहली बात हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया से निकालते हैं। मान लो हमें अफ्रीका में कोई चीज भेजनी है, तस्करी करनी है, तो हम काला आदमी ढूंढेंगे ना कोई। अब मान तुमने गोरा ढूंढ लिया, शाहरुख खान जैसा, पहले पकड़ लिया जाएगा एयरपोर्ट पे, क्या करने आया साहब हमारे देश में, इतना सुंदर आदमी कैसे आ गया? क्योंकि सारी चीजें सेल टू सेल इंटरेक्शन की, जो पहचान सकता है वही अंदर जा सकता है। बात समझे मेरी? तो ये प्लाज्मा वेक्टर बाहर की तरह यूज करते हैं, इन्हें हम बैक्टीरिया के सेल से निकालते हैं। इनके पास होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, यही बचा रहे हैं किससे? एंटीबायोटिक से। हमने क्या किया, उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को बीच में से कट किया और जो रिकॉम्बिनेंट जो जीन चाह रहे थे उसको उस वेक्टर के अंदर डाल दिया, और उसकी मदद से फिर हमने जिसको भी रिकॉम्बिनेंट बनाना चाहते हैं और उसको उसके अंदर डाल दिया, चाहे वो हमारा तंबाकू का पेड़ होता, चाहे हमारी इकोलाई बैक्टीरिया होता। एक वैक्सीन बनाई गई है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को, जिसमें खमीर ईस्ट के अंदर हेपेटाइटिस बी जीन का प्रोटीन डाल दिया गया है कि वो जितनी ज्यादा प्रोटीन बनाएगा हमें उतने ज्यादा वो प्रोटीन मिलेगी, उस उतने ही ज्यादा हम क्या बना सकते हैं, एंटीबॉडीज बना सकते हैं, वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा एम ये है कि कोई एक जीव दूसरे जीव का जीन लेकर या तो उस जीन की बहुत सारी कॉपीज बनाए, या वो जो प्रोटीन बनाता है वो प्रोटीन बनाए। अब साहब हम अपनी ही क्यों नहीं कर सकते? उनका हमारे साथ दिक्कत यह है कि हमारे ऊपर किसी को एक्सपेरिमेंट लगाना है तो उसे कम से कम 100 साल इंतजार करना पड़ेगा, और उसकी फाइल को अपने बच्चे को दे के जाना पड़ेगा, बोले भाई साहब ये कुछ अगर करे तो इनका देख लेना ये रिजल्ट आएगा। तो इसलिए हम किसी भी साइंस में उस ऑर्गेनिज्म को ढूंढते हैं जिसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी हो। जैसे आपने मॉर्गन का नाम सुना होगा, उसने फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट सारे जेनेटिक्स में किए थे। क्यों किए थे? बहुत सारे कारण थे। उस टेस्ट ऑर्गेनिज्म हम कौन लें? अब मान लिया आपने सोचा कि जाइए हम आम की ऐसी वैरायटी बनाएंगे जो मान लो चमकने वाला आम होगा, एग्जाम्पल की बात, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा जब आम का फल लगेगा। अगर आप वहां जीन चाह रहे हैं तब तक आप क्या चाह रहे हैं? जब आम का फल लगे तब तक आप ही नहीं बचे तो क्या करोगे? तो कहने का मतलब एक्सपेरिमेंटल आप कुछ करने जा रहे हो, ट्राई करने जा रहे हो, तो हमेशा ऐसा प्लांट, ऐसा एनिमल, ऐसा इंसेक्ट, ऐसा बैक्टीरिया, ऐसी फंजाई लो जो, तो ड्रोसोफिला जो थी फ्रूट फ्लाई उसका लाइफ साइकिल बहुत कम था, कुछ हफ्तों का था, एक बार में कई सारी बच्चे पैदा कर देती, प्रोजनी देती थी, कंट्रास्टिंग करेक्टर थे। कंट्रास्टिंग का मतलब कि आम के रंग दो टाइप के, पंख का भेद, ये सारी चीजें, तो उन्होंने इसीलिए उसको लिया। कल्चर करने में आसान। फ्रूट फ्लाई जिसे मैंने शायद पहले भी बताया हो किसी लेक्चर में, वो फ्रूट फ्लाई कौन सी है? नहीं नहीं वो तो अलग बात, प्रैक्टिकली बोले आपने देखी है तो तुरंत कह दीजिएगा ये देखी है, ये कहाँ देखी है? तो वो एक तो आपको बहकाने के लिए कहेगा, क्योंकि बहुत से टीचर्स गलत पढ़ा देते हैं, वो कहते हैं वो हम आम खाने बैठते हैं नीली आंख वाली मक्खी आती बड़ी वाली है, वो नहीं होती। जब केले लेके आओ तो छोटे छोटे भूनके उसके ऊपर छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे मक्खी से भी छोटे कीड़े, वो फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला है। ईजिली ऑब्जर्वेबल है कि आपने हैंड लेंस रखा और उससे आपकी इजिली करेक्टर उसके आप देख सकते हैं। तो
ये सारी चीजें होती किसी को भी टेस्ट ऑर्गेनिज्म बनाने की। इंसुलिन के केस में क्या किया उस दिन हमने, जो हम बता रहे थे आपको, ऐसा है इंसुलिन जो है प्रोटीन जब बनती है हमारी बॉडी में तो उसमें तीन चेन होती है लाइन में, ए सी और बी। लेकिन जो इंसुलिन काम कर रही होती है उसमें से सी चेन कट कर देता नेचर, केवल ए और बी जीन की ही प्रोटीन ही यूज होती है। तो एली लिली कंपनी ने क्या किया, ए और बी जीन को अलग सिंथेसाइज किया, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाला और मल्टीप्लाई जब ई कोलाई ने किया तो हमारी इंसुलिन प्रोटीन भी उसने क्या कर दी, बनानी शुरू कर दी। वो प्रोटीन बनी और आज हम उसको यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें इसी तरीके से और आ जाइए, जैसे तो अमाइनो एसिड है तो आपको अगर केमिस्ट्री पढ़ी तो अमाइनो एसिड तो हम लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब में डाल के। लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी यूज करती है वो अमाइनो एसिड एल कॉन्फिगुरेशन में होते हैं और केमिकली हम गारंटी पहले से नहीं ले सकते कि ये राइट हैंडेड बनेंगे या लेफ्ट हैंडेड बनेंगे। इसलिए उनका कि हम प्रोटीन डाइट के लिए अगर नेचुरल पर डिपेंड रहे, जैसे मैंने क्या कहा था स्पाइलुना ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसके आजकल हम कैप्सूल प्रोटीन डाइट के लिए हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, दैट इज ये भी क्या है एक तरीके से। तो इस तरीके से हम कई सारे ऑर्गेनिज्म के जीन इधर से इधर डाल के कई करेक्टर डेवलप कर लेते हैं। इसमें जैसे बीटी कॉटन में क्या किया, बीटी कॉटन में जो हमने बैक्टीरिया लिया उसका नाम था बैसिलस थ्रूजेनेसिस। नेचुरली अगर आपको उस बैक्टीरिया कल्चर मिल जाए आप अपने कॉटन या ब्रिंजल के खेत में छिड़क दीजिए, कीड़ा आएगा वो जो बैक्टीरिया में एक टॉक्सिन बनाएगा जिसका नाम है क्रिस्टल प्रोटीन। क्रिस्टल प्रोटीन जो जीन है उस जीन का नाम है क्राई जीन, ठीक है। तो वो आपसे कहेंगे कि अच्छा लेकिन इसके लिए आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, उसको स्प्रे करना पड़ेगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या किया, पहले हमने बैक्टीरिया लिया बैसिलस थ्रूजेनेसिस, उसके डीएनए को आइसोलेट कर लिया, उसमें से केवल और केवल क्राई जीन को बाहर निकाल लिया और उस जीन को कहां डाला, कॉटन में। लेकिन वहां जो वेक्टर था, वो जो वेक्टर था उसका नाम है टीआई प्लाज्मिड वेक्टर। और जो बैक्टीरिया जिसके अंदर टीआई प्लाज्मिड होता है उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस। क्या नाम है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस। बैक्टीरिया से हम टीआई प्लाज्मिड निकाला क्योंकि उसका नेचुरल चीज ये है कि वो जो पैथोजन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस वो डिजीज कॉज करता है नेचुरली प्लांट में। तो हमने कहा अच्छा ये प्लांट के सेल के अंदर जा सकता है, तो जब जा सकता है तो ये हमारा भी जीन लेके जाएगा जिसे हम क्या कह रहे हैं, क्राई जीन। अब क्या हुआ, जब हमने उसको डाला तो कॉटन के अंदर नेचुरली उसकी सरफेस पे वो जीन की वजह से वो टॉक्सिन बनने लगा। अब इंसेक्ट खाने आया उसको, जब वो प्रोटीन बाहर तो इनएक्टिव थी, जैसे उसकी गट में गई इंटेस्टाइन में वहां उसे मिला एल्केलाइन पीएच। पीएच मतलब नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन। अब वो प्रोटीन हो गई एक्टिव, उसने उसकी जो गट की एपिथेलियम थी उसमें छेद किए और वो इंसेक्ट मर गया। तो कॉटन को भी जिस सुड़ी से खतरा होता है, ब्रिंजल को भी जिस सुड़ी इंसेक्ट की सुड़ी से खतरा होता है, वो दोनों अब क्या होने लगे, मरने लगे। तो उसमें एक सारी बीटी ब्रिंजल पे सवाल आया है कि हम वहां क्या चाह रहे हैं, बोले अच्छी पैदावार, अच्छे फर्टिलाइजर पैदा करना बीटी कॉटन में बीटी ब्रिंजल में। दोनों का नहीं, हम असल में जो कीटनाशक हमें केमिकल यूज करते थे उसकी जगह पे हमने जैविक कीटनाशक यूज करना शुरू कर दिया। और वो कौन सी प्रोटीन है, क्राई प्रोटीन। बोले कहां से निकाली, बैक्टीरिया से, बैसिलस थ्रूजेनेसिस से। इस साइंस को हम ट्रांसजेनिक भी कहते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ा ना अपोजिट और ट्रांस, एक तरफ हो तो सिस। तो उसमें सवाल एक ये भी, क्या सिसजेनिक्स भी होती है। तो सवाल यह है कि अगर किसी एक स्पीसीज का जीन निकाल के दूसरी स्पीसीज में डालने की, बैक्टीरिया का हम पौधे में डाल रहे हैं, ये ट्रांसजेनिक है। लेकिन इन्होंने कहा साहब हमारी मूंगफली जो है वो कहते हैं सफेद रंग की होती है सरफेस, हमने कहा हमारी लाल होती है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, लाल और सफेद मिलाकर हम कुछ पीला तैयार करें, वो सॉरी गुलाबी तैयार करें। तो अगर हम मूंगफली का ही जीन निकाल के मूंगफली के साथ क्रॉस कराएं, मतलब डेवलप बनाए, रिकॉम्बिनेंट बनाए, दैट विल बी कॉल्ड सिसजेनिक्स। जहां दोनों स्पीसीज कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये जो मैंने अभी तक आपको जो बातें बताई, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं बायोलॉजी की पूरी हाइट सबसे ऊपरी चीज है। अभी तो और चीजों पे हम आएंगे, जीएम क्रॉप उसके रेगुलेशन भी बताएंगे धीरे धीरे तीन चार आगे के लेक्चर्स में। तो ये जो पूरा एस्पेक्ट है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो जो यूपीएससी का पैटर्न है वो लगभग
एक क्वेश्चन तो आपको नॉर्मल से मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर रिकॉमेंडेड इंडियन टेक्नोलॉजी पे जाके मिलेगा। हाँ, यूपीपीसीएस तक का अगर आपका ख्वाब है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है, मैंने आपसे फिर कहा कि ज्यादा डीप नहीं पढ़ना, ये छोटी मोटी चीजें सीख गए आप, तो जब आप उसको पढ़ेंगे, यही चीज आपके मच्छर में यूज होती है कि आप मच्छर को मारने के लिए डीडीटी यूज किया करते थे, आज डीडीटी से मच्छर नहीं मरते हैं, क्यों? उनके अंदर क्या डेवलप हो गई? रेजिस्टेंस। तो जो अक्सर आप ये देखे आते हो क्लिनिक्स पे, उन्होंने कहा कि ऐसा है आपको एंटीबायोटिक फायदा नहीं कर रही है, बोले अपना सैंपल दे आना, उसका कल्चर लगाएंगे। कल्चर लगाने वो क्या करते हैं कि आपके यूरिन में से, आपके ब्लड में से बैक्टीरिया आइसोलेट करते हैं, उसको कल्चर करते हैं और उसमें डिफरेंट एंटीबायोटिक्स रख के देखते हैं डिस्क की फॉर्म में। जिस एंटीबायोटिक पर बैक्टीरिया मरने शुरू हो जाते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं, बोले हमने ये 10 एंटीबायोटिक रखी थी, इस बैक्टीरिया के थ्रू कुछ एक्टिविटी आई है, बैक्टीरिया कुछ खांसा है हल्का सा, इसे भी थोड़ी तकलीफ हुई है, अब वो एंटीबायोटिक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा और उससे आप लोगे। मैंने आप 3 साल तक एमोक्सिसिलिन खाते रहिए, बैक्टीरिया का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए अच्छे डॉक्टर्स जो हैं, अच्छे का मतलब बहुत अच्छे नहीं कि जो इनका अस्पताल बहुत बड़ा है, एंटीबायोटिक जितना कम से कम यूज करेंगे उतना आप बैक्टीरिया को कम ताकतवर बनाएंगे, जितना एंटीबायोटिक आप ज़्यादा यूज करेंगे बैक्टीरिया और ताकतवर बनेगा। जैसे होता ना, कुछ लोगों को आधी पैरासीटामोल फायदा कर जाती है या नोटिस किया होगा, बाजार में कहाँ तक आ गई है, 600 अब तक 500 से काम चल रहा था, आपने खा के क्या किया, 600। ठीक वही चीज, बुरे जा चाय की पत्ती थोड़ी बढ़ा देना, कड़क चाहिए हमें, इतने में कुछ नहीं होता। यही चीज, चाय में कौन सा केमिकल होता है, तो हर चीज में निकोटीन ना हो जाएगा, निकोटीन तंबाकू भी होता है, उसका नाम है निकोटीन, निकोटियाना टोबैको, कॉफी में कौन सा होता है, अच्छा कुछ भी बता दे, हाँ कौन थाइमिन, कौन है थाइमिन, थाइमिन नहीं, अब क्या करें, बोर्ड खराब हो गया, लाइट चली गई, इसको तो मेरा कंट्रोल नहीं है, वरना फिर हम आपको बताते, व्हाइट बोर्ड रखने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, अभी वो भी बता दूंगा आपको, ठीक है, अभी क्लियर, कोई बात नहीं। थाइमीन जो है वो केमिकल है जो चाय में होता है, थाइमीन डीएनए में होता है, ठीक है ना, थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल और एडिनिन। जैसे उन्होंने पूछा क्या जीन डीएनए में होता है, इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब बायोलॉजी पढ़ाई शुरू की जाती है तो ये बताया जाता है कि पूरी बॉडी को जो कंट्रोल कर रही है वो सेल कर रही है, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जब हमें सेल पढ़ने बैठते हैं तो बताया जाता है सब कुछ न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है, जब न्यूक्लियस पढ़ने बैठे तो बताया गया सब कुछ क्रोमोसोम कंट्रोल कर रहा है, और जब क्रोमोसोम पढ़ने बैठे तो बताया गया कि डीएनए सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, मतलब अल्टीमेटली जो ब्लू प्रिंट है लाइफ का वो किसके पास है, डीएनए के पास है। ये ठीक वैसे ही हुई बात, जैसे अगर आप में से कुछ लोग बाहर के हो और आप घर से निकले, कहाँ जा रहे हो, बस शाहजहांपुर पढ़ने जा रहे हैं, ये बात गलत नहीं। जब आप शाहजहांपुर आ गए, रिक्शे वाले पूछा कहाँ चलना है, बोले जीएफ कॉलेज चलना है। अब आपसे गांव वाला कोई ये कहे तुमसे झूठ बोलते हो, तुम जीएफ कॉलेज गए थे, तुम शाहजहांपुर कहाँ गए, आप कहेंगे साहब जीएफ कॉलेज शाहजहांपुर में ही। फिर आपने कहा नहीं साहब हमें तो कमरा नंबर 43 तक पहुँचा दूँ, बोले कभी कहता जीएफ कॉलेज पहुंचा दो, कभी कहता कमरा 43 तक पहुंचा दो। फिर आप आए, बोले आप तो सफलिंग सर पढ़ाएंगे, बोले तो कमरा पढ़ा रहा है कि सर पढ़ा रहा है, लेकिन सर भी नहीं पढ़ा रहा है, सर ने जो अर्जित किया है वो यहाँ बोर कर रहे हैं, किसी और ने किया होता तो वो कर रहा होता, तो अल्टीमेटली तो वो किताब है जो गुरु जी ने पढ़ी है। तो ठीक वही है कि अल्टीमेट जो चीज है वो डीएनए है, जैसे कि एक मोती की लड़ी होती है। मैंने उस दिन ही बताया था कि हमारा डीएनए, एक सेल का डीएनए 2 मीटर लंबा है, और उसमें जो ये मोतियों की संख्या है, अगर हम अपने एक सेल के डीएनए की बात कर ले जो कि डिप्लॉयड होता है, मतलब उसमें माता का जीन भी है और पिता के भी, दोनों डीएनए हैं, तो इसमें 6.6 बिलियन मोती हैं, और अगर हम स्पर्म या ओवा पे आ जाए तो आधे रह जाते हैं केवल 23 क्रोमोसोम, तो हम ये कह देते हैं कि उसमें केवल 3.3 बिलियन डीएनए।
मोती है, मोती जो है वो चार ही है, एडेनिन थाइमिन गुआनिन, इनके लगने के क्रम पे अब बताओ 3 बिलियन लगाने हैं, एक तो थोड़ा लगाने जो रिपीट हो जाएगा कुछ भी। पता ना मेरा शुरू किया, मैंने शुरू में 10 ही गिना दी, मान लिया मैंने कहा मेरे शुरू के 10 में 5 बार ए है 5 बार टी है, बोले आपके, बोले सर ऐसा पहला मेरा थाइमिन है फिर 4 एडेनिन है फिर थाइमिन है 5, हम अलग हो गए एक दूसरे से, तुम्हारे में क्या है, बोले मैं है तो मेरे में पहला थाइमिन लेकिन दूसरा साइटोसिन है, बाकी 3 एडेनिन है 5 थाइमिन है, ये जो लगने का क्रम है एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन का, ये हमारे बेसिक है इस बात का कि हम सब क्या हैं एक दूसरे से अलग है। तो क्या केवल एक मोती के बदलने से हम बदल जाते हैं, बोले जी हाँ, इसी को कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म SNP। जैसे मैंने अभी डीएनए को कट किया था पीछे डायग्राम में, अगर हम सबके डीएनए को निकाला जाए अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रखा जाए और वही एंजाइम डाला जाए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि खुद 300 तरीके के हैं अभी, एक ही टाइप का निकाल के डाला जाए तो हमारे टूटने वाले फ्रेगमेंट और उनके लंबाई में क्या आएगा अंतर, होता मेरे 9 टुकड़े हुए हों, आपके 10 हुए हों, किसी के 11 हुए हों, लेकिन हो सकता है मेरे भी 9 किसी के 9 हुए हों, लेकिन हो सकता है उसके जो मेरे में छोटा है उसके में दूसरा बड़ा हो गया हो। दिस इज द बेसिक बिहाइंड द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, कि जब डीएनए का स्ट्रक्चर ही सेम नहीं है तो हमारे जब उसको कट करेंगे वो पैटर्न भी सेम नहीं आएगा। इसे हम वहां पढ़ते हैं RFLP रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉली, इतना डीप अभी नहीं जाना है, अभी तो आपको बहुत कुछ सीखना है बीच में। तो जब हमने उस फ्रेगमेंट्स को तोड़ा तो अब जो यहां पर चीजें आ रही थी, तो क्या एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन के बेसिस पे हम क्या अलग है, उसके अलावा भी डीएनए आरएनए में डिफरेंस आ जाता है कि आरएनए में जो शुगर होती है वो राइबोज होती है, डीएनए में जो शुगर होती है वो डी ऑक्सी राइबोज होती है। अच्छा, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन पे भी क्वेश्चन आए यूपीएससी में अच्छे खासे, वहां ये बताते हैं कि हमारे डीएनए में जितने एडेनिन होते हैं उतने ही थाइमिन होते हैं, जितने गुआनिन होते हैं उतने ही, ये चारगाफ ने कभी बताया, लेकिन अगर ये वायरस का डीएनए है तो ये बराबर नहीं आते हैं, ये पहचानने का तरीका है क्योंकि वहां पेयर में नहीं होते, 2 कुंडली चलाते ना डीएनए में ऐसे करके, लेकिन अगर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए तो वहां 2 आपस में बने नहीं, क्योंकि एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है, गुआनिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है, इसलिए वो बराबर आते हैं। तो अब इसमें भी क्या होता है, 3-3 न्यूक्लियोटाइड हैं, कितने, 3.3 बिलियन आपने बता दिया, 3-3 न्यूक्लियोटाइड ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा अमाइनो एसिड आएगा। जैसे आप इसमें 3-3 के उसमें बैठे हुए, किस्मत की बात है, बोले अच्छा उतारो आलू की बोरी, आलू उतारो उनकी अरहर की बोरी, अच्छा फिर आलू वाले बैठे हैं 3 लोग, आलू उतारो 20 अमाइनो एसिड है, वो अमाइनो एसिड जिस क्रम में लगेंगे वो डिसाइड करेगा प्रोटीन कौन सी बनेगी। तो डीएनए को देखकर पहले आरएनए बनता है, आरएनए को देख के क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, इसीलिए हमारी बॉडी में बनने वाली प्रोटीन भी डिफर है, क्यों, हमारा तो खुद का सीक्वेंस डिफर है। तो एक प्रोटीन बनने के लिए जितने न्यूक्लियोटाइड यूज हो रहे हैं डीएनए का वो पार्ट क्या कहलाता है, एक जीन कहलाता है। जैसे आप ये बैठे हो, कुछ लोग कुछ ये बैठे हो, कुछ लोग ये बैठे हुए हो, तो ये कितने हो गए, 3 जीन हो गए। तो जीन डीएनए का ही पार्ट है, लेकिन बना भी किसी का है, डीएनए का भी है। तो हम केमिकली ये कह सकते हैं कि डीएनए और क्रोमोसोम एक ही बात है, कि सबको मिलाकर हमने क्रोमोसोम कह दिया फिजिकल स्ट्रक्चर, लेकिन असल में वो सब क्या है, जैसे ये वायर जा रहा है तो अंदर तो कोई ना कोई मेटल का तार चल रहा है ना, अब तुम प्लास्टिक की कोटिंग कर दो लकड़ी की कर दो उससे कोई बड़ा मतलब आने वाला नहीं है, जैसे पेन में तो रिफिल चल रही है, चाहे तुम सोने का पेन लाओ चांदी का लाओ चाहे मोदी जी की जेब से निकाल लाओ, और तुम्हें राइटिंग ही खराब है अगर तुम्हें पेन बेचारा क्या कर लेगा, और राइटिंग साफ है तो 3 रुपए वाला लाके भी तुम बहुत अच्छा लिख लोगे, अच्छा आंसर ही नहीं आता है। तो मेन चीज वो कह रहा है कि अल्टीमेटली तो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जो बदला हुआ है हम में और आप में, यही हमारी पहचान है। तो अब जो उस दिन मैं पर्सनलाइज्ड ड्रग डिजाइनिंग की बात कर, जैसे हमारा आज आधार कार्ड का नंबर है, फ्यूचर में हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन एक कार्ड में हो सकता किसी फॉर्म में दे दी जाएगी कि हमने लगाया कार्ड आ गया ATTTTGGGCCCCCC, बोले देखिए इनको कौन सी दवा सूट करेगी, पर्सनलाइज्ड ड्रग, मैंने परसों इस पर बात की थी, तो ड्रग तो उसी से निकलेगी ना,
लेकिन उसके लिए हमें पहले एक लैब में जाके, और ये सब होगा और बड़े क्रांतिकारी रूप में होगा। जैसे अभी तक इसको मैं आपको जोड़ दूं क्लियर उससे, कि अभी तक कुछ सालों तक जब हम लोग पढ़ाया करते थे तो कुछ चीजें बताने में बड़ी दिक्कत होती कि बच्चा उससे अनभिज्ञ था। जैसे हम लोग पहले बताते थे कि हाँ जब बर्ड फ्लू फैला तो रोज तीसरे दिन न्यूज में आता था कि वायरस बदल रहा है अपना रूप, तो बच्चा समझ नहीं। लेकिन अब उसने देखा कोरोना भी बदलता है रूप, बोले हाँ सब बात मेरे समझ में आ रही है कि हाँ वायरस अपना रूप कैसे चेंज करता है, उसी पे आ रहा है, कॉन्सेप्ट की चीज पे आ रहा है। ऐसा था हमारे पास जो ट्रेडिशनल मेथड है डायग्नोसिस के, वो कहाँ थे और फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने कहाँ पर हेल्प की हमारी। हम जानते थे बोले साहब वो आए हैं सीरम से खून निकालेंगे, हमारा ब्लड टेस्ट, सीरम टेस्ट भी जिसे कहते हैं, मतलब ब्लड टेस्ट हम करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड था घिसा पिटा। फिर आया यूरिन टेस्ट, तो डॉक्टर ये कर देते हैं भैया ठीक है हम तुम्हें शीशी दे दे रहे हैं सैंपल उसमें सुबह ले आना। उसके अलावा हमने कुछ टेस्ट और देखे, स्पुटम टेस्ट थूक, बलगम का टेस्ट बलगम, फिर स्टूल टेस्ट हमारी पॉटी, उसका भी टेस्ट होता है कि सिस्ट आ रहे हैं, किस चीज के अंडे आ रहे हैं, इसमें पेट में इंफेक्शन तो नहीं है, ठीक है। हमारा स्पर्म टेस्ट होता है, तमाम टेस्ट हमने इस तरीके के देखे। लेकिन तब हम लोग पढ़ाया करते थे कि साहब मॉलिकुलर बायोलॉजी में पीसीआर का टेस्ट भी होता है, बड़ा दूसरे आदमी का हो चुका है, उसके पीछे की साइंस क्या उसको समझेंगे। पीसीआर में यह होता है कि देखिए पीसीआर मशीन तो बहुत बड़ी, इतनी बड़ी मशीन है, डीएनए का सैंपल, अब सैंपल क्या, सैंपल वहीं से लेंगे जहां वायरस का खतरा होगा। तो लोगों का ये जो वायरस है कोरोना का, ये नेजल ट्रैक से घुसता है, तो वो कहां सैंपल कहां से उठाया, नेजल स्वैब से निकाला, सेल थोड़ी टूटी अगे। अब जो सैंपल लिया उसमें दोनों डीएनए हो सकते हैं, हमारा भी और अगर वायरस हुआ तो वायरस का भी अगर हुआ तो, वरना फिर हमारा ही होगा, ले लिया पीसीआर में। अब उन्होंने क्या किया, पेन दीजिए जरा दोनों लोग, ये हमारा डीएनए है, ये अगर है तो दोनों ले लिए सैंपल में, लेकिन जो प्राइमर लगाया डीएनए के रेप्लिकेशन करने वाला वो केवल वायरस वाला लिया, ये तो बाइंडिंग नहीं होगा इस पे, तो इस पे और उसने एम्प्लीफिकेशन शुरू कर दिया, नाम ही है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, चेन ऐसे चलती है, एक से दो डीएनए, दो से चार बनने शुरू, क्यों, क्योंकि इसको क्या दे दिया हमने प्राइमर। अगर ये नहीं होता, ये टकराता रहता बेकार थोड़ी देर बाद, बोले हम क्या करें, कुछ है ही नहीं वहां, टेस्ट नेगेटिव। आपने कहा बहुत बढ़िया शुक्र है नेगेटिव आया, हमारा डीएनए रेप्लिकेट नहीं किया, लेकिन अगर ये होता वायरस वाला तो टेस्ट पॉजिटिव आता, डीएनए पीसीआर में क्या कर जाता, पॉजिटिव रिएक्शन दिखा देता, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दिखा देता, ये उसका बेसिक है। बोले सर तो पीसीआर तो समझ में आ गया, ये आरटी पीसीआर क्या है, तो उनका दिक्कत ये है कि जो पीसीआर मशीन रीड कर रही है वो डीएनए को कर रही है, और जो वायरस हमारा है ये इसके अंदर आरएनए होता है। बोले अब क्या करें, बोले कोई परेशान नहीं हो, एक एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो आरएनए को डीएनए में बदल देता है। तो लैब में जब हम आरएनए लेके आए, उस आरएनए को हमने किसमें बदला, डीएनए में, और उस डीएनए का हमने क्या करा लिया, पीसीआर करा लिया, और टेस्ट हमारा हो गया। तो अब हम पिछले दो साल से एक मॉलिकुलर बायोलॉजी के टेस्ट में क्रांतिकारी पहल देख चुके हैं भारत की, कहां जहां हमने क्या कर लिया पीसीआर, जहां हम डीएनए के बेसिस पे, अच्छा उससे थोड़ा सा लेवल का रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का टेस्ट है, एलाइजा का टेस्ट है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट है, कुछ नहीं एंटीबॉडी या एंटीजन चिपका हुआ होगा शीट पर, हमने ब्लड डाला, अगर वो क्लॉट कर गया पॉजिटिव आ गया, बोले हाँ एंटीजन था, सेम वही चीज दोस्ती कॉम्प्लीमेंटिटी, जब वही नहीं तो दूसरा नहीं रुकेगा, कोई रिएक्शन या कोई कलर चेंज नहीं आएगा, टेस्ट निगेटिव आया, बोले वाह प्रभु हमारा टेस्ट निगेटिव। वो चला ना मतलब उसमें जोक चले थे, तो जिंदगी में पहली बार निगेटिव होना अच्छा माना जा रहा है, तो निगेटिव इसलिए कि रिएक्शन नहीं हुई भाई, ये निगेटिव का मतलब था, पॉजिटिव होना रिएक्शन हो गई, इसका मतलब है अब खतरे की बात। वायरस हमेशा स्पेसिफिक सेल पे जाके करता है, जैसे कि बताया था डेंगू चिकनगुनिया में हमारी प्लेटलेट पे जाता है, वो नेजल ट्रैक, अब तुमने सोचा कि अरे नहीं वो पीसीआर तो नाक से ही लगता है, लाओ इन्हें वो क्या कहते हैं डेंगू हो गया, लाओ स्वैब से निकाल लें, वहां वायरस मिलेगा ही नहीं आपको, वो स्पेसिफिक सेल पे जाके अटैक करता है।
एचआईवी वायरस लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस पे जाता है। हर वायरस हर सेल का अलग अलग क्या है स्पेसिफिक। प्लांट में भी यही केस होता है, आपको प्लांट लगा है उसमें डिजीज लग गई वायरस की है, आप लीफ पत्ती तोड़ के लाते हैं डिजीज की लगी हुई, आप उसमें डीएनए आइसोलेट करते हैं, वायरस का भी डीएनए आया होगा, प्लांट का भी आया होता था, पीसीआर करते थे। अगर उस वायरस में डीएनए होगा पहले से, अगर वो डीएनए वायरस है तो फिर आरटी पीसीआर नहीं करेंगे उसमें, केवल सीधे सीधे कौन सा करेंगे पीसीआर। पीसीआर के भी बहुत रूप हैं, अलग अलग उसमें यूज होता है, ठीक है। ये सारी चीज एक यहां जिक्र और आता है लिक्विड नाइट्रोजन का। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ऐसे आप बोतल में ला सकते हैं अपने घर में, बर्फ नहीं होगा क्योंकि पानी नहीं है। ये बहुत चीज दिमाग से हमें निकालनी है, जमता कौन है पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब बोले साहब माइनस डिग्री से पानी तो जम जाता है, यहाँ पानी जम जाता है, यहाँ जम जाएगी लिक्विड ही रहेगी, लेकिन इतनी तेज होगी जहाँ आपकी स्किन पिघली। तो डीएनए को आइसोलेट करने के लिए कॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, प्लांट सेल से डीएनए आइसोलेट करने में हम लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं। और बहुत सारे सीड सैंपल प्लांट सैंपल को प्रिजर्व करने के लिए लंबे समय तक पॉलन बैंक पॉलन ग्रेन। भाई देखिए प्लांट ब्रीडिंग में क्या है, जैसे हमें रिकॉमेंडेड टेक्नोलॉजी बनानी है, उन्होंने कहा साहब हमारे घर में नीला गुलाब होता है, तो नीले गुलाब थोड़ा लगा लगा के रखो खेत में बनाए रखोगे, तो क्या पॉलन ग्रेन इकट्ठे करके रखे रहो, जब जरूरत पड़ेगी इसके अंदर से हम डीएनए का निकाल लेंगे। तो पॉलन को हम प्रिजर्व कहाँ करें, उन्होंने कहा किसमें प्रिजर्व कर दो, लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व कर दो आप जाके इसको। इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। दूसरा एस्पेक्ट क्या आया, एक काउ बनाई रोजी काउ, उसके अंदर जीन डाला कि उसका जब दूध पियोगे तो अल्फा लैक्टा एल्बुमिन प्रोटीन तुम्हें ज्यादा मिलेगी। फिर आपने वो सुनी होगी एक इडिबल वैक्सीन होती है, अभी इंडिया में इन सबका यूज इसलिए नहीं हो रहा, मैंने आपको बताया था इसके लिए बहुत परमिशन चाहिए होती, मार्केट में हर चीज ऐसे नहीं उतारी जाती। भाई हमारे तो फल अच्छे खासे होते हैं, हम दुनिया को आम सप्लाई कर रहे हैं, हमें रिकॉम्बिनेंट आम की क्या जरूरत। तो उसी तरह से इडिबल वैक्सीन में क्या किया कि आप सेब खाइए आपको उसके थ्रू क्या मिलेगी वैक्सीन मिलेगी, ये क्या आया इडिबल वैक्सीन आया। तो ये तमाम चीजें जो पूरी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का बेसिस है कि हम एक जगह का जीन निकाल के दूसरी किसी क्रॉप में बैक्टीरिया में किसी फंजाई में हम यूज बनाते हैं और उसको हम यूज करते हैं। तो उनके साथ दिक्कत क्या है फिर, तो बहुत दुनिया जीत ली बोले जी नहीं, अगर आप ही दुनिया जीत ले तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला कहेगा। बताई ना कहानी थी कि बड़े बड़े पैदा हो गए, बर भी मांग लिया शिव जी से ब्रह्मा जी से, लेकिन वो चूबे के छोड़ते थे, बोले तुमने वो ये नहीं कहा था हिरण कश्यप की तरह, ठीक है ना जमीन पे हो ना आसमान पे हो, ना अभी दिन है ना रात है, ना मैं नर हूं ना जानवर हूं, तो मारे गए। तो ठीक वहां पे नेचर ने भी अपना एस्पेक्ट ये लगा रखा है कि हाँ कि आपने किसी एक क्रॉप के अंदर दूसरे का जीन डाल तो दिया, लेकिन वो एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी अभी नहीं। वरना जो मैंने आपको बताया था ना, फिर हम अपने अंदर क्लोरोफिल का जीन डलवा लें, आने की जरूरत क्या है, हम भी धूप में बैठे तो वो जीन आने के बाद। अच्छा फिर दूसरी ह्यूमन क्लोनिंग में अभी हमें बहुत सारी परमिशन नहीं मिली है। साउथ कोरिया का एक साइंटिस्ट था कई सालों पहले, उसने तो कहा था कि मेरे पास सारी तैयारियां पूरी हैं, बस हमें गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए और ह्यूमन क्लोन हम बना सकते हैं। लेकिन ये जो एक दौर आया ग्लोबलाइजेशन का कि जहां हमने कई ट्रीटी की हैं और कई समय, तो उन्होंने परमिशन उसको नहीं दी। लेकिन हाँ इंडिया में हम बोफेलो का क्लोन बना चुके हैं, कई सेंटर्स करनाल के हैं बोफेलो भैंस बना चुके हैं, प्लांट भी तो अच्छे खासे क्लोनिंग पे काम हो चुका है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही है। लेकिन दिक्कत वही है कि जीन उस जगह जाकर एक्सप्रेस होता है या नहीं, ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ी दुविधा का तो बहुत सारे जो संगठन है जो मानव हित के लिए काम कर रहे होते हैं, जो कहते हैं वो अपनी अपनी आवाज उठाते हैं कि साहब ये हम क्या करने जा रहे हैं आपके। जैसे आपको खुद पता है, जैसे आप लोग घरों में सुनते हैं अब वो दालों में स्वाद नहीं बचा, वो अब चावल में स्वाद नहीं बचा, क्योंकि सब हाइब्रिड क्रॉप आ गई है। क्यों, हमने जैसे जनसंख्या बढ़ाई हमारी
जैसे मैंने आपको एस्पेक्ट बताया था ना कि कुछ सालों तक तो हमने भी देखा अपने घरों में दाल आती हुई खेत से, आज मसूर भी नहीं आ रही जो कि आखिरी क्रॉप थी एक तरीके से हमारे हिसाब से भी जो हमारे घरों में होती थी, दलहन बची नहीं, क्यों जमीन उसके हिसाब से बची नहीं। तो हमें क्या करना है, जगह हमारे पास सिकुड़ती चली गई, फर्टिलाइज और डिमांड हमारी बढ़ गई, तो हमने ऐसी क्रॉप्स डेवलप की जो कम समय में ज्यादा हमें साठा धान तक हम पहुंचे 60 दिन में धान, लेकिन पानी कितना यूज कर रही उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। तो साइड इफेक्ट की बात है, उसमें कहीं कहीं निगेटिव पॉइंट भी एक ये है जो जिसके फेवर में बात कहते हैं, ये तो ठीक है कि हमारे जो अपनी वैरायटी थी, जैसे आप चावल की या गेहूं की जो बिल्कुल देसी वैरायटी है उसे कुछ केरल में अब लोग कर रहे हैं, असली धान अब जो रियल वैरायटी हमारी वाइल्ड क्रॉप थी वो तो गायब हो चुकी है, सब हाइब्रिड और डेवलप की चल रही है। तो उन्होंने ये कहा कि आपने कहा कि जहर है क्राइजीन प्रोटीन, बोले हम भी तो खा रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो हम लोग की साइंस ये कहती है कि अगर उसका रिसेप्टर हमारे पास नहीं है जहर का, तो हमें उस जहर से कोई डरने की बात नहीं। लेकिन सवाल ये भी तो है, क्या जहर वही है जिसका इफेक्ट हमें दिख रहा है? क्या जहर वही है जिसका इफेक्ट हमें दिख रहा है? क्या पता हमारी बॉडी में किसी और लेवल पर कैंसर डेवलप हो रहा हो, ठीक है ना? क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारी बॉडी में जो कैंसर कॉजिंग जीन है वो अभी सोए हुए पड़े रहते हैं, जो बच्चा पैदा होता है जो भी वो कैंसर के जीन लेके पैदा होता है, लेकिन वो सारे जीन के स्विच ऑफ हैं अभी, हो सकता है ज्यादा चाय पीने से वो जाग जाए कोई जीन, सुनते हैं ना कि ये यूज करने से कैंसर का खतरा ज्यादा, तो कैंसर ये बाहर से नहीं आ रहा, कैंसर के जीन हमारे बॉडी में पहले से पड़े हुए, जिनको हम पता क्या कहते हैं सी ऑनको जीन, ओ एन सी ओ ऑनको जीन, तभी कैंसर स्टडी क्या कहते हैं ऑन्कोलॉजी, ठीक है? तो वो जीन जो है वो सोए हुए अवस्था में हमारे शरीर में क्या हुए, पड़े हुए हैं। अब आपने कोई चीज खाई, अच्छा हमारे साथ बड़ी दिक्कत है, हमें डॉक्टर कहता होम्योपैथिक की 2 ड्रॉप डालना 1 गिलास पानी में, तो हमारा सीधे दिमाग चलता है बड़े होशियार है 2 से क्या होगा, सब 6 से ड्रॉप तो कम पड़नी नहीं है डॉक्टर ने 2 बताया है, ठीक है ना? लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि वो केमिकल हमारी बॉडी में ज्यादा पहुंच गया। अच्छा फिर क्या हुआ, बोले अरे उल्टी तो आई नहीं, इसका मतलब 10वीं पी सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो चीज हमें विजिबल हो रही है वही हार्मफुल इफेक्ट है, बट ये है कि अगर उसका, जैसे एक चीज ये बताई जाती है कि जो गंगा जल है उसके अंदर बैक्टीरियोफाज एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया खा लेता है, लेकिन अगर हम उस पानी को पीते हमें कोई नुकसान नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका नाम ही है क्या, बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरिया को खाने वाला। हमारी इस बॉडी में ऐसी कोई सेल नहीं जिसको वो नुकसान पहुंचा सके, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी टेक्नोलॉजी हम बता रहे थे, वो जो हमने आपसे कहा था कि टमाटर देर से पकेगा उसमें क्या, या एक टेक्नोलॉजी आई जीन एडिटिंग की, जीन थेरेपी एक चल रही है। जीन थेरेपी में क्या किया कि साहब ऐसा है मेरे बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही, इंसुलिन का जीन कैसा है, डिफेक्टिव है, तो आप क्या करेंगे, इंजेक्शन से लेंगे इंसुलिन, ठीक है? उन्हें कहा अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, बोले अगर हम तुम्हारी बॉडी में जीन डाल दें किसका, तो तुम्हारी बॉडी क्या बनाने लगेगी, इंसुलिन। लेकिन सर डालोगे कहां, एक सेल तो है नहीं। उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हारा पहले ब्लड बाहर निकालेंगे, ब्लड में से भी कौन सी सेल निकाली, WBC, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। वहां सवाल पूछ सकते हैं RBC क्यों नहीं लिया आपने, क्योंकि RBC के अंदर न्यूक्लियस ही नहीं, तो DNA का जीन कहां डालोगे, तो जब DNA ही नहीं है तो जीन भी नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, जो वाइट ब्लड सेल थी लिम्फोसाइट उनको बाहर निकाला, उसके अंदर क्या डाला, जीन डाला इंसुलिन का, और इंसुलिन बॉडी के अंदर डाल दिया। लेकिन इन लिम्फोसाइट की भी एक एज है जो कि बहुत ही कुछ सप्ताह या कुछ दिनों की होती है, फिर आप क्या करेंगे, फिर खून चेंज करवाएंगे जाके। तो उन्होंने कहा कि अगर हम बच्चा डेवलप हो रहा है उसी समय एम्ब्रियोनिक पीरियड में हम अगर उसके जीन ये ट्रांसफर कर दें उसके स्टेम सेल्स में, तो ये उसके लिए परमानेंट क्योर हो सकता है। लेकिन इंडिया में भी दिक्कत ये है कि अभी एमियोसेंटेसिस को हमने लीगल तो किया नहीं है, कि बच्चे को पैदा होने से पहले हम कैसे, क्योंकि कई हद तक अगर देखा जाए सोशली, कल सर ने पढ़ाई होगी इथिकली भी, कि हम कहाँ कहाँ तक कंट्रोल करना चाहेंगे दुनिया को। बच्चा पैदा होने से पहले जब हम ईडी ही डिसाइड कर देते तो किसको डॉक्टर बनाएंगे, अब तुम उसके जीन भी सारे निकाल लिए, वो भी स्टडी कर लिया, इसको खांसी हो सकती है 20 साल की उम्र के बाद जाके, बड़े बेनेडिक्ट पिलाना चालू कर दो इसको पैदा होने से पहले। आओ, क्योंकि आपके साथ एक दिक्कत बहुत बड़ी है ह्यूमन के साथ, और आपकी जो दिक्कत थी
उसने आपको बचाया, आप कोरोना में केवल इसलिए बच गए क्योंकि आप आरओ का पानी नहीं पी रहे थे। समझे मेरी बात? हम जितने नहीं, आप यहाँ की बात कभी यहाँ पे खत्म मत कर दो। हमारे साथ एक दिक्कत है कि हमने उन्हें कौवा कान पकड़ा, कौवा कान ले गया वाली बात अधूरी बात पकड़ी हो। हम बाकी देशों की तरह ऑप्टिमम पर नहीं जी रहे थे। होता ना जैसे एसी कमरे बाहर निकलो बहुत गर्मी लगती है और जो बाहरी घूम रहा उसे नहीं लग रही, क्योंकि हम ऑप्टिमम में रह के आए हैं। तो जो देश ज्यादा इन चीजों के ऑप्टिमम पर जी रहे थे उन्हें ज्यादा परेशानी हुई जरा से फ्लक्चुएशन से। और हम बोले साहब हम तो वैसे ही वायरस बहुत खा जाते दिन भर में, वायरस मेरा क्या करें, ये हमें समझना। आज के समय में माँ बाप ये खुश होते हैं हमने उनको डांट खाई, कपड़े गंदे कर लाए। आजकल हमने दोस्तों से पूछा है, साथ वालों से पूछा है, सर आज बड़ा अच्छा लगा भाई, यार बड़ा अच्छा लगा मेरा बच्चा मिट्टी में खेल के आया, सी लाइक्स वो ही लाइक सॉइल, उसे मिट्टी मिल गई कहीं बहुत देर हो गया। हाँ हम लोग मिट्टी में कहीं सन आते थे तो अरे कपड़े तुम गंदे कर लाए, क्या है ये आज दाग अच्छे माने जा रहे हैं, ये सोसाइटी की थिंकिंग है। क्यों? बच्चा दिन भर मोबाइल में लगा हुआ है, आप खुद देखिए। yes, हमें कमरे में अच्छा लग रहा, हमें धूप में नहीं अच्छा लग रहा कि हम खुले 10 लोगों से बात कर लें, फिर हमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है, पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हैं। तो इनका कहना यह है कि जितना हम हार्श एनवायरमेंट में रहेंगे हमारी इम्यूनिटी उतनी ज्यादा मजबूत होगी। यह खेल है इम्यूनिटी का। जो लोग आरओ वाटर पी रहे हैं उनकी इम्यूनिटी हमेशा लो होगी, उनके जो लोग निकले और अभी बता रहा हूं उन्होंने नहर में से चलता हुआ पानी ऐसे हटाया ऐसे पिया, उसकी वजह यह है कि जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो एंटीजन से होती है। जब तक दुश्मन अंदर हमारे अंदर नहीं आएगा हम इम्यूनिटी नहीं बना पाएंगे अपनी। अब आप 60 साल के हो गए, अब कोई आया तो बॉडी हमारी क्या कहेगी, अब पछताए होत का पछड़ी के, अब मेरे अंदर कहते ना बुढ़ापे में हड्डियां नहीं जुड़ती। तो कहने का मतलब यह कि जितनी जल्दी हम जितने स्लो एंटीजन के संपर्क में आ जाए, भाई हमें ये जो वैक्सीन दे रहे हैं वो कर क्या रहे हैं, वो हमें सोया हुआ वायरस पिला गए, बोले एंटीबॉडी बना के रख लो ऐसा होता है वायरस, वो हमें प्योर वायरस पिला के गए, कोई दवा नहीं पिला के जाते हैं। कि जब असली वाला आएगा जागा हुआ तो तुम्हारे अंदर एंटीबॉडी पहले से बनी हुई है, तो तुरंत उसे काउंटर अटैक कर दोगे, वरना तो 3 दिन में तो पहचानोगे, अच्छा भैया तुम हो, कैसे हो, पता तो अपना काम कर चुका हो तुम्हारे भैया भैया कहने में। इसलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनोलॉजी हमारी इम्यूनिटी के अंदर सबसे बड़ी ताकत है कि उसके अंदर मेमोरी होती है। ये फिल्म नहीं दिखाते हैं, ये है वो पहला क्रिमिनल इस पे हमें शक है, दूसरा बढ़ाया ये भी हो सकता है क्रिमिनल, तीसरी फोटो बढ़ाई, तो हमारी मेमोरी सेल जो होती है वो हमें अगली बार उस डिजीज से हमेशा बचाने में हेल्प करती है। अगर एक बार आप कोरोना से बच गए हैं एंटीबॉडी बनाकर, अब दोबारा लेकिन वही स्ट्रेन आना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं पिछली बार तुम नीली रिबन वाला पेन लाए थे हमने पहचान लिया था, अब तुम काली रिबन वाला पेन ले आए तब भी हमारी बॉडी, अब आप कहने साहब फिर तो कोरोना ही था, बोले वायरस होगा, क्योंकि वायरस के अंदर दिक्कत ये है, वायरस को जो रूप बदलने वाली बात है असल में ऐसा, जब हमारे डीएनए से एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है तो हमारे अंदर प्रूफ रीडिंग चलती है। प्रूफ रीडिंग मतलब अगर कहीं पर गलती एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन की हो गई है हम उसको करेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वायरस के अंदर ये प्रूफ रीडिंग के मैकेनिज्म नहीं होती है। वायरस का नया रूप ये इंसान से ही तो पैदा होता है, जैसे तो किसी इंसान से वायरस निकल के दूसरे में गया तो भी सब वो नहीं, एक मिनट, हाँ बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके पीछे की कहानी समझिए क्या है। मैंने क्या कहा, वायरस जब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाएगा तब जो गलती होगी वो सही नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है वो बनाएगा कहाँ, हमारी बॉडी में आके, लेकिन उसके बदलाव में हमारा कहीं रूप नहीं है, हमारा हाथ हमारा कहीं नहीं है कि हमने बदल दिया, वो हमारे शरीर में आया उसने अपने आप को रेप्लिकेट किया, गलती नहीं की, 100 बने थे वो 100 बाहर निकले, अब उनको चेंज हो गया, अब वो दूसरे शरीर में घुसे और चेंज किया, अब धीरे सिम्टम भी अपना बदलना शुरू कर देंगे। तो ये जो चीज है ये वायरस के अधिकृत रूप से ये है कि वायरस के अंदर जो है वो प्रूफ रीडिंग का कोई एंजाइम नहीं होता है, इसलिए कोई भी वायरस हो, इसलिए देखिए हमारे पास जो बिल्कुल 100% गारंटीड वैक्सीन है वो बैक्टीरिया डिजीज को तो लेके हैं, लेकिन वायरल डिजीज को लेकर बहुत 100% गारंटी वाली वैक्सीन नहीं है। जैसे मैं उस दिन पिछले कहा था कि छोटा सा रोग जुकाम वायरस से होता है,
हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है आज तक, ना कोई दवा है। क्यों? उसके लगभग 300 से ज्यादा वायरस तो नोन है केवल, तो किस किसके खिलाफ बनाओगे? मान लो बनाया भी, दूसरा छींका आके वो में तीसरा थमा गया वायरस। इसलिए वायरस के डिजीज खिलाफ हमें वैक्सीनेशन डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है, दिक्कत होती है, और जरूरी नहीं कि जो एक स्ट्रेन के खिलाफ वैक्सीन हमारी काम कर रही है वो दूसरे स्ट्रेन के खिलाफ भी काम करे। और जैसे जैसे हम, अच्छा नेचर ने हमें एक चीज बहुत अच्छी दे रखी है कि हम शफलिंग कर लेते हैं जीन में। शफलिंग का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए जो होता है, जो हम पढ़ा रहे हैं, बोले दूसरे बच्चे लाओ थोड़ी देर में घूम के आए। अरे दूसरे बच्चे कहां से लाओ एंटीबॉडी? तुम तो वही शरीर हो, पैदा लेके रखे हैं, मरते थे, जीन तो वही होगी तुम्हारी बॉडी में। तो शफलिंग का मतलब क्या? तुम पीछे जाओ, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, नया एंटीबॉडी तैयार कर लिया हमने तुरंत उसी जीन के अंदर से। जीन हमने थोड़ा बदल लिया हमने भाई। मान लीजिए आदमी 50 साल का था, उसने एंटीबॉडी बनाई, उसे पूछो भैया तुमने कब सूरत देखी थी कोरोना वायरस की जो तुमने एंटीबॉडी बना ली? बोले हम तो अभी देखी। तो अब आप कहेंगे साहब ये तो पहली बार नेचर ने बना, ये तो ऊपर वाले को भी नहीं पता था 50 साल बाद कोरोना आएगा, उसने एंटीबॉडी हमें कैसे दे दी? उसने नहीं दी, हमारी बॉडी ने सिस्टम बना रखा है कि वो उधर से जब भी एंटीजन बदल के आएगा हम अपना कुछ ना कुछ पढ़ाते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में BDJ मैकेनिज्म। उसमें क्या करते हैं, इन्हीं जीन की कटिंग शफलिंग करके हम एक नई एंटीबॉडी तैयार कर देते हैं जो कुछ हद तक उस एंटीजन से फिट होती है। और हम क्या बनाते हैं, तो जो आपने कहा ना कि कैसे इम्यूनिटी डेवलप होती है गंदा पानी पीने से, तो अब गंदा पानी के पीछे ये भी नहीं करना कि कोरोना का वायरस ही पी लिया जाए। धीरे 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 एंटीजन सामने होता है, कम टॉक्सिक, उससे ज्यादा टॉक्सिक, फिर तो हमारी एंटीबॉडी। नहीं वो एक, हाँ एक चीज वो भी है, मैं तो अभी वायरस की और बैक्टीरिया की बात की। दूसरा चीज ये है कि जो जो वाटर आरओ वाला हो, जैसे एक पानी ये है, ये आरओ वाटर नहीं है, ये मिनरल वाटर। जब ये बनता है तो इसके अंदर साल्ट जो होते हैं वो डाले जाते हैं। वो कहते हैं साहब इतने लीटर में या इतने सौ लीटर में आप इतने आधा किलो या दो साल्ट उसमें मिला के वो उसमें बकर उसमें वो प्लांट में बाकायदा डालते हैं, जिसे इसके अंदर क्या आए, मिनरल आए। आरओ में वो क्या कर रहा है, मिनरल को अलग कर देता है, उसे मिनरल भी नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये भी चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जब तक आपका पानी वाकई खराब ना हो तब तक उस पर डिपेंड आरओ पर नहीं होना। वो रिवर्स ऑस्मोसिस पर काम कर रहा है, साल्ट भीतर छोड़ देता है मिनरल्स को है और प्योर वाटर निकाल देता है, तब तक उस पर हमें निर्भर नहीं होना चाहिए। घर वालों की बातों में नहीं आना चाहिए, गुप्ता जी के यहाँ लगा है तो हमारे घर भी लगेगा, पानी बहुत अच्छा था। क्योंकि जब आप जिस दिन इसकी आदत डाल ली आपने, रोज की अगर आदत डाल ली, तो आपको जो नॉर्मल पानी आप पी रहे हैं वो जहर लगने लगेगा, कड़वा लगने लगेगा। क्योंकि ये क्या है सब पानी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हाँ अब ये है कि मतलब सफर में है जहर का पानी बदलेगा तो आप यूज करिए, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कुछ दिन के लिए किया है तो करिए, कोई दिक्कत है तो करिए, लेकिन ये नहीं कि केवल देखा जाके आपने आरओ पर डिपेंड हो गए, वो आपको ऑप्टिमम पे ले जाएगा। कोई कहानी जो टेम्परेचर के साथ होता है, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ मैं ब्लोअर लगा के पढ़ाने लगूं तो यहाँ तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे पढ़ाते हुए, जहां बाहर निकला तो ठंड अब मुझे पहले से ज्यादा लगेगी, कम नहीं लगेगी, क्योंकि उसके अंदर हमारी क्या हो रही है पावर जो धीरे धीरे। तो जैसे हम लोग ये कहते हैं ना, जैसे अपने घर वालों से आप सुनो ठंड पहले पड़ा करती थी, अब क्या ऐसा नहीं है, ठंड पहले भी पड़ती थी, गर्मी पहले भी पड़ती थी, आज हमारे पास सुविधाएं ज्यादा हैं, हम अब गर्मी बढ़ेगी हमारी उम्मीद होगी क्रिएट पंखे से। हमने क्या किया, जैसे हमने कुछ बताया था कि पहले तो हम ये डर रहे थे, अरे गांव में बिजली के खंभे नहीं लगने दिए गए कि हमें खा जाएगी, हमें मार डालेगी, चिपक जाएंगे, और आप 10 मिनट के लिए चली जाए तो हम चिल्ला उठते हैं, क्यों हमारी क्या लग गई उससे, उम्मीद लग गई। आज से 4 साल पीढ़ी वालों तो पंखे नहीं देखे, उन्हें उम्मीद नहीं थी, यही हवा काम कर जाती थी उनके लिए ठंडी ठंडी, और हमें जब तक 16 पे ना हो कंबल डाल के ना ओढ़े तब तक हमारी उम्मीद पूरी नहीं। बोले अभी 16 से नीचे नहीं हो सकता कुछ, क्या बोला कंपनी ने भी बनाया नहीं, बोले पर अभी सिल्ली ले आओ। तो हिंदुस्तान में तुम अगर धोखे से कह दिया, हिंदुस्तान में अगर कह दिया बर्फ की सिल्ली लिया तो बूढ़ा बूढ़ा तो अच्छा बर्फ की सिल्ली तो लास्ट लटाई जिनका बूढ़ा सिल्ली बटा। मतलब कहने का मतलब यह है कि हम जितना ऑप्टिमम पे अपनी लाइफ को रखेंगे उतनी हमें हमारी इस बॉडी को दिक्कत होनी ही होनी है। तो थोड़ा बहुत ये सब चीजें, क्योंकि पहले ये सब लाइफ में नेचुरल थी, अब नेचुरल नहीं तो भाई सिंथेटिक पैदा करो,
ये सारी चीजें हमारी बायोटेक्नोलॉजी पर